अब मैं सुबह बाहर जाऊंगा ना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। ये देखो, ये बाहर बैठा होता है, बस दरवाजा नहीं खोलता है मेरे लिए। इसको वॉक पे जाना है, बाकी सब रिलैक्स हैं, इसको सबसे ज्यादा पड़ी होती है। हेलो, मॉर्निंग वॉक पे भेड़ों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया हमारे डॉग्स को। ये कितनी क्यूट छोटी छोटी भेड़े हैं यहाँ पे। ये नहीं है हमारा, ये तो गली का है, साथ ही चलता है। ये हमारे हैं, हमारा अस्पताल है ना। अगर कोई बीमार है तो आप ले आ सकते हो, वहाँ पे भेड़ बकरी मुर्गा सबका इलाज करते हैं, कुत्ते का गाय का। गद्दी लोग जो नोमैडिक शेफर्ड्स हैं वो लेके चलते हैं ना भेड़ बकरियाँ, तो बहुत बार ये होता है कि चोट लग जाती है पैर में, फिर या तो वो उसको चलाते रहते हैं चाहे फ्रैक्चर भी हो, या फिर वो छोड़ जाते हैं पीछे। नहीं 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 है। हमारा ना अस्पताल है यहाँ पे, वहाँ ले आओ, वहाँ जांच भी हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगा। देखता रहता हूँ ना, तो आपको पता है ना, फिर तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं ना, तो वो ही जांच करेंगे और आपको दवाई दे देंगे। मैं इसको अगर छोड़ जाऊँ, पालतू है आपकी ना ये, छोड़ के नहीं जा सकते आप। हम आवारा को रखते हैं, पालतू की दवाई दे देते हैं, फ्री मिलती है। आप नहीं दे सकते पैसे तो फ्री दे देंगे आपको। आंटी कह रही थी कि कोई भेड़ भी है जिसके पैर में लगी हुई है, तो कहाँ लेके जाएगी उसको, नहीं लेके जाना है। क्यों, दर्द तो उसको भी हो रहा है, दर्द उसको थोड़ा है ना। ये जो चढ़ रही है बेचारी, ये ओहो लगी है ज्यादा इसको ना। इसको तो काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से ऐसे ही चल रही है ये। ऐसे ही चल रही है। मैंने आपको कहा था ना, वो बच्चों का घर जो है रस्ते में पड़ता है, तो अभी उनकी मम्मी ने कहा है कि वो उनको नहीं चाहिए। दी दे रहे हो, गोदी में दे दो, कोई बात नहीं, आप उठा के दे दो उसको। तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर खाना भी नहीं खा रही, तो ऐसे मर भर जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, डरी हुई है, थोड़ा रो रही है, थोड़ी ठंडी है, इसने मेरे ऊपर पूरा पी कर दिया है। आप अगर रेस्क्यूज की हेल्प करना चाहते हो ना, आप अडॉप्शंस में उनकी हेल्प करो, हमारी भी। एक और ले आया हूं, एक और नहीं लाया है ये मैं, ये हमारे यहाँ से उस दिन जो अडॉप्ट होके गई है, उनको उनकी मम्मी को चाहिए नहीं। तो क्या हो गया, अपनी क्यों चाहिए जो? हाय, किसी को नहीं चाहिए तो हम रखेंगे। नहीं, एक और नहीं रख रहे हम। ये कैसे मीर कैट्स की तरह खड़ी हो गई है, वो ट्रिक्स करके दिखा रही है कि देखो मेरे को अडॉप्ट होना है तो भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे मेरे सर्कस के भालू, तू क्या कर रही है छिपकली? ये आज भीड़ से इतना डर गई, सीधा घर भाग के आई है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ना कि वो पराल की अब ईंटे आती है, स्ट्रॉ बेल, अब भूसे की भी ईंटे आती है। ये हमारी भूसे की ईंट, खोलो जी इसको। इसका हिसाब रखना थोड़ा आसान होता है कि भाई हाँ, इतने किलो भूसा हमारा रोज इतनी गाय के लिए यूज हो रहा है। जो इसका एक दो नुकसान है, एक तो ये कि ये आती है प्लास्टिक में, तो ये फिर हमें जलाना पड़ता है। ये निकल आई हमारी भूसे की ईंट। अब जो मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बता रहा था ना, आपको कितनी देर लगेगी ये पूरा तोड़ने में? 10-15 मिनट लग जाएगी। भाई जूते ना पहन रखे हो तो बड़ी तेज लगती है चूचू की। तुम्हारा क्या चल रहा है? ये खाने का है या सिर्फ दिखाने का है? खाने का ही है। ये लोग वहाँ दिखाते हैं ना, कहानी वाली शिवानी इंस्टाग्राम पे। शिवानी ने कह रही थी बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं कि मैं मैरिड हूँ, तो ये हैं, ये जो वो भैंसे के सीन के लिए वो बना रही थी ना काला तेल, शिवानी जी, कहानी वाली शिवानी। कमलेश जी भी आ गए, मेरे को आवाज तो आई है। इन्होंने हमसे ना पहले दो गाय अडॉप्ट करी है, एक सुरभि जो बड़ी पतली सी आई थी जिसको बड़ी सारी चोटें लगी हुई थी, एंड शगुन। कमलेश जी से मेरी मुलाकात ना काफी फनी वे में हुई थी, ईमानदारी से बता दूं सर। हाँ हाँ, मेरे भाई कोई बात नहीं। मैं धर्मकोट पे था शिवानी के साथ, इनके ब्रदर मिले और वो फुल टाइट थे। उन्होंने कहा कि जी हमें गाय चाहिए, हम ब्राह्मण हैं। फिर उन्होंने कमलेश जी से मुझे इन टच किया, इन्होंने दो गाय हमसे ले ली और आज ये 3 गाय हमसे लेंगे। और आपका अडॉप्ट करने का रीजन? हम लाइक वशिष्ठ है हमारा भूत, तो ऐसा कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ के पास 2 गायें थी। इवन दिल्ली में भी हमारे घर में गाय रही है। वी डोंट टेक इट एज कि हमें दूध निकालना है या दूध बेचना है या दूध कंज्यूम करना है, उद्देश्य है वो सेवा करना है। सही मायने में गौ पालन तो यार यही हुआ ना। बोलने में इनको भी थोड़ी झिझक आ रही थी कि हम इसलिए ले रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने ना हवा सा बना दिया। आप ऐसे बात करो ना कि भाई हम हिंदू हैं, तो सडनली आप कट्टर हो जाते हो, चाहे आप ये कह रहे हो भाई मैं हिंदू हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। देखो कई लोग होते हैं अपने बच्चों को ले जाते हैं कि देखो हम जानवर काटेंगे, देखो, और ये है कि भाई जानवरों को खिलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ गाय अडॉप्ट होनी है, पर पता है किसका इंतजार हो रहा है? गेस करो, चॉकलेटी बॉय का। हो गया मेकअप, हो गया तुम्हारा,
ओ भाई सर मैं ये रेडी कर रहा था, तुमने कहा था मैं 2 बजे से पहले आ जाऊंगा। हाँ आंटिया रोटी बना रही थी ना जाते बराबर, तो इसलिए लेट हो गया। चलिए मैं रेडी, मैं आपका वेट करता हूँ, आप आओगे बुलाओगे। बहुत रेयर दिन होते हैं जब हमारे यहाँ से कोई गाय अडॉप्ट हो रही हो, तो 3 गाय अडॉप्ट हो रही हैं, लकी डे। और मुझे एक सीन दिखा जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो देखो धान काट के लोगों ने सुखा लिया, अब ये थ्रेशर में डाल रहे हैं, एक तरफ से छिलके के साथ धान आ जाएगा और दूसरी तरफ से ये निकल रहा पराल। ये सर्जरी वाली डॉग है? नहीं नहीं, हो गई ठीक? हाँ जी। ओ वाह जी, अब हर एक का नाम नहीं पूछे याद, खासकर वो जो थोड़ा ही टाइम स्पेंड करते हैं। 100 से ऊपर जानवर हैं, 40 तो फार्म पे हैं, 7 वो सेंचुरी में, 60-70 यहाँ पे हैं। आज ले जा रहे हैं वानी, दयानी और चंदा। अरे विजय ठीक हो तुम? अपना पापा ने मजाक उड़ाया होगा खूब। विजय दिलवर भैया का बेटा है ना, पक्की बात दिलवर भैया ने इसको छेड़ा होगा, वो मेरा इतना बखौल उड़ाते थे। अभी जो एक बैल आया है ना, मैं पहले आपको मिलवा दूं, फिर ये गुड कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। आप देखो आप तो गाय अडॉप्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो इस बैल की हालत देखो, सॉरी ये इस पे पानी, उबलता पानी डाल दिया किसी ने। चली वानी और पीछे चली सयानी, इनमें भी माँ बच्चे का कितना लगाव होता है, मतलब जैसे इंसानों में होता है। हाँ ठीक है ठीक है, ये आपकी फ्रेंड है, ठीक है चलो मेरी, इसका नाम क्या है? इमोशनल मोमेंट है, गुड डे, मतलब कुछ बुरी चीजें भी हुई हैं आज, बट आई फोकस ऑन दिस गुड डे। मैं इस समय हॉस्पिटल आया हूँ कुणाल के पीछे पीछे, क्योंकि हम लोग ना एक बड़ी परचेज के लिए डिसीजन ले रहे हैं। आपने सुना होगा हम LFT KFT बहुत बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो भी नया एनिमल आता है उसके लिए अपन लोग ये करते हैं, ताकि अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस कर पाए, ताकि हीलिंग बेटर हो और हमारा ओवरऑल रिकवरी टाइम बेहतर हो। वो कहते हैं ना ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, पिछले कुछ व्लॉग तो सारे ऐसे थे कि भैया जैसे मैंने 4-6 कप कॉफ़ी पी के शूट किया हो, क्योंकि पूरी धूप निकली हुई थी। अब हो गई है जी फिर से बरसात, पर एक अच्छी चीज़ हुई है, अभी पानीपत से कोई हमारे यहाँ किटन अडॉप्ट करने आए हैं, तो इनकी जिसकी अगर आपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी वो अडॉप्ट हो रही है, अपूर्वा एंड रोहित। तो इतनी दूर क्यों आए आप कैट अडॉप्ट करने? हम बहुत टाइम से देख रहे थे बट कभी प्लान ही नहीं बन पा रहा था, तो आज इस कैट की वजह से हमें आपसे भी मिलने का मौका मिला है। नाइस, मैं काफी फ्लैटर्ड फील कर रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में आया तो भीड़ सी लगी है, क्या हुआ इसको? सर वो बता रहे हैं कि शायद ना ट्रक से टक्कर लगी है, बम तो नहीं पता, मुंह उसका पूरा जबड़ा टूटा हुआ है और जीभ निकल गई। साहिल कह रहा है कि ट्रक से नहीं लगा, छोटी गाड़ी से हो सकता है, बम नहीं है, बम वो लोग ना आटे में पोटैश लगा देते हैं ताकि जब सुअर उस पर चक मारे, जंगली सुअर, तो वो मर जाए, लोगों को खाने को मिल जाता है मीट। अभी ना एक्चुअली कुछ और भी गंदे केस अंदर, मैं हाथ तो एक ही बारी निपटाया था इस पे, हमने ये क्या हल्दी लगाई है, क्या लगाया? हल्दी तो नहीं लगाई होगी, अभी ये स्किन उतर रही है धीरे धीरे करके इसकी। मैं बेटर इसलिए लग रहा कि अरे 2 दिन में हम लोगों ने मैजिकली हील कर दिया, जस्ट वो जो चिथड़े उड़े हुए थे वो काट दिए, नाम नहीं रखा ना, इसका नाम नहीं रखा, टफ है टफ, इसका नाम JCB रख दें। ये एक डाउन बैल आया ना, मैं उस दिन मुझे नहीं पता आपको बताया नहीं बताया कि एक बैठ गया है बैल एक्सीडेंट के बाद, हम लाते नहीं ऐसे केसेस, पर फिर हमने कहा चलो एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए ले आए। ट्रीटमेंट करते दौरान ना वो अंकित को समझ में आया कि धनुष है। ये जो बैल है ये इतना बड़ा बैल, इसको अब इस पे हम होइस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैठा रह जाएगा तो इसकी जो पैरों की सर्कुलेशन बिल्कुल ही कट जाएगी, फिर जो इसके खड़े होने के चांस है वो खत्म होते जाएंगे। हाँ। इसी की मदद से हम होइस्ट कर रहे हैं इसको, मतलब उठा रहे हैं। इससे तो मैं मिल चुका हूँ, ये तो वही है जो ये कौन सा कल आया है, की पूंछ पे चोट है, नहीं है सर ये पूंछ लटकी हुई थी, फिर कौन लेगा, इसको मारा गया है दराट से और इसकी पूंछ की हालत बहुत खराब हुई है दिन पर दिन। I'm sure एक कुणाल ने आके शूट किया होगा, मैं छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ, पर इसकी पूरी रिकवरी अगर हो जाती है तो फिर हम पीपल फार्म पे। ये कौन है सर? ये दड़म से हमने 3 दिन पहले रेस्क्यू किया होगा, इसकी पूंछ में इंजरी है, काफी ब्लीडिंग थी उस दिन। इसके सींग कितने अच्छे हैं, इसका नाम रखा है कुछ आपने? नहीं सर, सुंदरी रख दो यार इसका नाम, मेल है, सुंदर रख दो फिर, हमारे पास सुंदर था ना। मैं आपको बता रहा था ना हॉइस्ट करना वो दिखाना आसान है, जैसे घर में आपकी गाय बैठ जाती है, मिल्क फीवर से बैठ जाती है, भाई दूध दे दिया, ले लिया ज्यादा, कैल्शियम दिया नहीं, तो आपको बांसों की मदद से ऐसे जुगाड़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि गाय बैल बैठे रह गए तो बस फिर तो क्या कर रहा है यार अजगर, क्यों ऑलरेडी हमें सताए हुए, हमें और तंग कर रहा है। अजगर ने ना रूटीन बना रखी है, ये रोज सुबह 9 बजे यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आके सो जाता है, फिर शाम होती है अस्पताल बंद होता है, फिर ये
चला जाता है। कल एक एक्टर साहब है जिनसे मैं बात कर रहा था जो शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई उनका जो स्ट्रे पेट है वो सुबह आता है उनके यहाँ सोने के लिए, अब जब वो शिफ्ट हो जाएंगे तो वो कहाँ सोएगा। ये जो स्ट्रे पेट्स है ना, इनको बस खाने से भी ज्यादा इन्हें एक सोने का ठिकाना चाहिए जहाँ पे आराम से सो सके, जहाँ इन्हें पता है कि मौसम खराब हुआ तो ऐसा नहीं है कि ये भीग जाएंगे या इन पे कोई गाड़ी चढ़ा जाएगा। बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है यार। अस्पताल इज नॉट अ सेफ स्पेस, अस्पताल इज अ रिकवरी स्पेस।